हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो यहाँ पे हम एक और जो है इंटरेस्टिंग गेम लेके आ गए हैं, उसका हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आज है टॉइस बॉक्स की तरफ से बनाया हुआ ब्रेन वीटा और टेंग्राम करके जो है एक टू इन वन गेम है यहाँ पे हमारे पास। तो ये जो है मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बो पैक है, और ये जो है टेंग्राम बहुत पुराना गेम है और इसके ऊपर बहुत सारे वर्जन भी बन गए हैं। और आज के समय में जो है मैग्नेटिक बोर्ड्स भी आते हैं जिसका जिसके ऊपर जो है टेंग्राम जो है उस तरीके के जो है खेल खेला जा सकता है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ टेंग्राम। तो दिस इज़ एंशियंट पजल स्पेशली डिज़ाइन डेवलप क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन अमंग चिल्ड्रन। इट कंसिस्ट ऑफ 7 पीसीज कट आउट ऑफ अ स्क्वायर। दिस पजल इज़ वेरी यूजफुल टू फेमिलियराइज चिल्ड्रन विद शेप एंड कंसेप्ट ऑफ एरिया। हाउ टू प्ले पजल बुक चैलेंजेस एंड इट्स सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ शेप एंड सोल्यूशन हाउ टू अचीव द शेप। तो यहाँ पे इस तरीके का शेप है, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है जो पीसीज दिए हैं उसका यूज़ करके, वो उसका चैलेंज है। और बाकी ब्रेन वीटा है यहाँ पे, कैसे खेला जा सकता है ये भी बहुत ही चैलेंजिंग गेम है। और एक्चुअल में क्या है कि अगर जो है आपने यूट्यूब का वीडियो देख लिया इसको कैसा सोल्व करना है तो फिर इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बट अगर आप अपनी तरफ से जो है ट्राई करेंगे इसको सोल्व करने के लिए तो आपको जो है बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई अगर एक मार्बल जो है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे बीच में एक मार्बल रहना चाहिए। तो ये एक मार्बल अगर रहता है तो आप जीनियस है, लास्ट में टू मार्बल अगर रहते हैं तो आप एबो इंटेलिजेंट है, थ्री मार्बल रहते हैं तो इंटेलिजेंट है, और चार मार्बल अगर रह जाते हैं बोर्ड पे तो आपको जो है फिर से खेलना पड़ेगा। ओके, तो ये सोलो गेम है, ठीक है? तो दोनों जो है एक्चुअल में सोलो गेम है। तो इसको आप अगर ख़रीद के देंगे तो आपका बच्चा जो है ना वो घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन के टाइम पे, स्कूल शटडाउन के टाइम पे अकेला अकेला खेल सकता है। और इसका जो है मतलब 1 से 2 वीक का बच्चे का जो है आराम से निकल जाएगा। तो इसकी जो है कीमत मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कीमत जो है 149 रुपीज़ है। और टॉइस बॉक्स जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है, और इसके बहुत सारे बोर्ड गेम्स और अलग अलग जो है खिलौने आते हैं, तो आप इसको जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, मेड इन इंडिया कंपनी है। तो धीरे धीरे जो है मेड इन इंडिया कंपनीज जो है मार्केट में आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पज़ल बुक है और इसके अंदर बहुत सारे पज़ल्स हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है ना कि एग्जैक्ट आपको जो है कटआउट्स का यूज़ करके कैसे ये शेप बना मतलब बनता है वो आपको नहीं दिखाया है, तो उसको जो है आपको सॉल्यूशंस के अंदर से ढूंढना होगा। ढूंढना नहीं है बट अगर आप सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ से देख सकते हैं कि भाई ये जैसे शेप है ये सब कटआउट ऐसे रखेंगे तो ये वाला पहला वाला जो है बनेगा। तो यहाँ पे कितने पज़ल्स है, टोटल जो है 136 पज़ल है। तो इसको करने में तो बच्चों का जो है बहुत सारा समय जो है आराम से स्पेंड हो जाएगा और उसकी क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। तो इस बॉक्स के इस तरीके के भी बहुत सारे खिलौने आते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मतलब बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। यहाँ पे सब रूल्स और वो सब चीज़ें जो है बताई है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी है। और ये प्रेम रत्न टॉयज़ जो है उसका ही मे बी कोई जो एक ब्रांड है, और ये जो है काफ़ी मज़बूत जो है क्या बोलते हैं कि एक सेकंड ब्रेन वीटा का बोर्ड है। और यहाँ पे इसके जो है मार्बल है, तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, तो सबसे पहले जो है इस तरीके से जो है ये मार्बल्स को रख देना है और बीच में जो एक स्पेस खाली रखनी है। आपको फटाफट एक बार समझा देता हूँ कैसे खेलना है जिससे कि आपको पता चले, मैं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं बताऊँगा। इसको कैसे खेलना है उसका एक्चुअल में मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया है, और इसको कैसे सोल्व करना है उसका भी वीडियो बनाया है। बट हो सके तो सोल्व करने वाला वीडियो जो है आप ना देखें, अगर आपसे खुद से नहीं होता है, 3-4 दिन आपने ट्राई कर ली नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको जो है देख सकते हैं उस वाले वीडियो को। आप चाहें तो जो है मार्केट से अच्छे वाले मार्बल भी ले सकते हैं, तो ये थोड़े से सस्ते वाले मार्बल है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो मार्केट से एक इंटरेस्टिंग मार्बल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा मार्बल दिया हुआ है तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है जैसे कि बीच में जो है एक खाना खाली रहे। तो अब इसको कैसे खेलना है, तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला मार्बल है, जैसे कि इसको इस तरीके से करेंगे तो ये मार्बल जो है मतलब इसमें से निकल जाएगा, ठीक है? सेम तरीके से इसको हम ऐसे करेंगे तो ये वाला मार्बल निकल जाएगा, इसको जो है हम ऐसे करेंगे तो ये वाला मार्बल निकल जाएगा, ठीक है? इसको हम ऐसे करेंगे तो ये वाला मार्बल निकल जाएगा, इसको ऐसे करेंगे ये वाला मार्बल निकल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके करते करते जो है आपको ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि जिससे क्या होगा कि सभी मार्बल्स निकल जाए और लास्ट में जो है ये बीच का जो है, मैं अभी ऐसे ही आपको हटा के दिखा देता हूँ,
सभी को सभी मार्बल्स जो है इस तरीके से निकल जाएंगे और बीच में जो है लास्ट में ये एक मार्बल ऐसे रहेगा, तब जो है आप विनर हो जाएंगे। तो काफ़ी चैलेंजिंग है, इसमें जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या करें तो बीच में ही एक मार्बल लास्ट में रहे, तो उसमें बहुत ही ट्रायल एंड एरर मेथड आपको करना पड़ेगा, फिर आपको जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक आपने गेम देख लिया, इसको जो है अभी मैं साइड में लगा देता हूँ और हमारा जो है टेंग्राम उसको हम देखते हैं। इसके अंदर जो है इस तरीके के पीसीज हैं जो कि स्क्वायर में से काटे गए हैं, ऐसा यहाँ पे इसमें लिखा था। ये तो 100% जो है आपके बच्चों को खेलने के लिए देना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे जो है स्क्वायर्स हैं, तो स्क्वायर नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है पीसीज हैं अलग अलग, और नॉर्मल जो क्या बोलते हैं बोर्ड होता है उस तरीके का जो है उसमें से काट के बनाया है, कुछ अलग अलग शेप्स है। तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, अभी थोड़ा सा जगह करनी पड़ेगी, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इस तरीके का, ये एक्चुअल में जैसे कि ये वाला शेप है, इसको अगर बनाना है यहाँ पे ये जो दिखाया है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ओके इस तरीके से यहाँ पे इसको रखना है, उसके बाद ये वाले जो दोनों हैं उसको इस तरीके से रखना है। इसको यहाँ पे रखना है, फिर इसको जो है यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे रखना है, और फिर इसको ऐसे रखना है। तो ये जो है आपका एक शेप बन गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जो ये शेप्स है, ये पीसीज है, उसका यहाँ पे आउटलाइन दिखाया है, जबकि इसके अंदर जो है यहाँ पे आउटलाइन पज़ल के अंदर नहीं है। तो फिर आपको जो है खुद का दिमाग लगा के ही जो है इसमें से कॉम्बिनेशन बना के ये सॉल्व करना होगा। तो वो बच्चों को जो है मतलब ये चैलेंजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे, तो इसको जो है आप ज़रूर से दें, 100% दें। और बहुत ही सस्ता है यार, 149 रुपीज़ ही है, तो ये लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको ज़रूर से देंगे आप अपने बच्चों को। एक बार तो अपनी लाइफ में अपने बच्चों को ये देना ही चाहिए, ठीक है ना। और अगर हो सके तो ये पज़ल वाला जो है ना, पज़ल का सॉरी ये सॉल्यूशन जो है उसको आप क्या कर सकते हैं कि स्टेपलर यहाँ पर लगा दें, जिससे कि बच्चे उसको देख ना लें, और इसमें से जो है अलग अलग पज़ल को, जितनी पज़ल खुद से दिमाग से जो है हो सके उसको सोल्व करें। क्योंकि कई बार जो है ऐसा होता है कि भाई थोड़ा ट्राई करते हैं नहीं होता है तो फिर देख लेते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं नहीं होता है तो देख लेते हैं, तो उसमें जो है चैलेंज नहीं रहेगा। तो इसको चैलेंजिंग बनाने के लिए आप इस तरीके का कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही सस्ता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा है, इसको आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। सो थैंक यू, गुड बाय, एन्जॉय योर लाइफ।